माननीय मंत्री जी ने भी रिव्यू लिया था, उसे डिस्कशन असेंबली के दौरान हुआ था, प्लस परसों मुख्य सचिव जी ने किया था रिव्यू। तो मोटे तौर पे स्मार्ट सिटी में जो जो एक्टिविटीज़ लेनी है उसके जो पब्लिक को दिशा निर्देश अनुसार, तो उसमें हम लोग आज आए थे, स्टेडियम्स वगैरह का सुबह से दौरा किए हैं, कुछ और जगह देंगे। SP साहब से मैं लास्ट टाइम आया था तब डिस्कशन हुए थे। मोटे तौर पे प्रयास ये करेंगे ऐसी चीज़ें लें दिशा निर्देश अनुसार जिसमें भी लोगों का जुड़ाव भी हो और उसके साथ साथ आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति भी हो। जैसे स्पोर्ट्स में हमारा इंटरेस्ट है, प्लस आज हमने वहाँ चंद्रवरदाई गए, पटेल गए, तोपदला, सारी जगह पूरे हमारे ऑफिसर्स थे, CEO मैडम, ADA कमिश्नर साहब वगैरह थे, प्लस कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल से भी कुछ आर्किटेक्ट वगैरह साथ लाए थे, वहाँ से हमारा टाइप है। तो वो देख के मोटे तौर पर ऐसी चीज़ करें जिससे कि एक लोगों को लगे इम्पैक्ट हो, लोगों की ज़रूरत हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे अपने स्पोर्ट्स हो, चाहे सीवरेज का कनेक्शंस का हो, चाहे कुछ टूरिज्म के प्रोजेक्ट हैं जो हम कर रहे हैं कलेक्टर साहब के और कमिश्नर का निर्देशन में चिन्मय मैडम, तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आने का अभी यहाँ से बिलवाड़ा और उधर जाएंगे, जस्ट एक सबसे चर्चा करने के हिसाब से। और आपके पास कोई आइडिया, तो अभी हमने स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाया था, कुछ अर्जेंट अवार्डी थे, कि उनकी क्या आवश्यकता है, वो क्या सोचते हैं, कि उनके जितना आइडिया या जो बच्चा खुद खेलता है उसके जितना आइडिया हम लोग अधिकारी नहीं रख पाते। तो यहाँ जो स्टेडियम पटेल है, आप तो देख के आए, स्टेडियम तो बड़े, लेकिन कि यहाँ पे ना तो अजमेर कोई ढंग की प्रतियोगिता होती है या कोई अच्छा, या बड़ा नहीं। अभी उसको मैं बता रहा हूँ ना, हम लोगों ने स्पोर्ट्स में काफ़ी फंड्स भी रखे हैं, चाहे चंद्रवरदाई को अच्छा करना है, चाहे चंद्रवरदाई वैसे अच्छा है और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और आम पब्लिक भी उससे जुड़े, उस तरह पटेल स्टेडियम में क्या क्या हो सकता है और तोपदड़ा में क्या क्या हो सकता है, एक और स्मार्ट सिटी में हम लोग प्रस्ताव लेंगे। अभी बोर्ड मीटिंग करेंगे, मोस्टली इसी महीने से पहले में करेंगे, तो जो जो प्रस्ताव उनको कंसिडर कर रहे हैं, होमवर्क अच्छा कर रहे हैं और प्रयास सब जो जो इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर सब डिस्कशन, हॉस्पिटल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो फंड्स इन्होंने रखा है, प्लान जो अप्रूव्ड है उसमें दिशा निर्देश में चेंज करने का भी ऑप्शन है लोगों की नीड और आवश्यकता अनुसार। कई जगह हमारी सेविंग भी हो रही है, तो अभी इसको गति देने की सरकार की, राज्य सरकार की मंशा, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो चाहे मंत्री जी हो, बार बार हमें रिव्यू भी लिया जाता है, मुझे अभी 1.5 महीना हुआ, बट हमारा उद्देश्य रहेगा चीज़ें फटाफट और सही तरीके से हो और आम पब्लिक की ज़रूरत के मुताबिक हो और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसका एक इम्पैक्ट जाए, ये हमारी ड्यूटी रहेगी। नाले के कवर करने को सर नहीं, नाले के कवर करने को भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, ये भी इशू आएगा, नहीं ये भी बात है, हम लोग देखेंगे ना, आज मैं विजिट करूँगा, देखेंगे। नहीं अभी है, आपका कहना ठीक है, अभी असेंबली खत्म हुई, मैं हमारी बात हुई थी DLV या उज्ज्वल राठौड़ जी, वो यहाँ रहे, उनसे ही बात हुई थी, मंत्री जी के ऑफिस में बात हुई, माननीय मंत्री जी, हम लोग उसको बढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ रिटायर्ड का भी देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन से आपने बात की थी, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए जो अजमेर? मोटे मोटे जो सुझाव दिए हैं, जैसे एथलेटिक्स के कोच थे, बास्केट के कोच थे, उसके अलावा आपके स्विमिंग के थे, तो उनका यही है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज डेवलप हो। हॉकी के कोच थे जो आपकी चंद्रवरदाई में है, और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको, आज मान लो कोई 70 साल का बुजुर्ग स्विमिंग सीखना चाहता है वो भी सीखें, 80 साल का कोई बुजुर्ग मान लो हॉकी सीखना चाहता है उसका भी अधिकार है भाई, और 5 साल का बच्चा टेनिस सीखना चाहता उसका अधिकार है, मतलब हर तरह के, या मान लो कोई डिसेबल्ड है उसका जो है, जैसे मान लो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, कोई भी व्यक्ति, बच्चा, लेडी, उसको ये लगे भाई हमारा ये फैसिलिटीज हमारे लिए, क्योंकि ऐसी मेरा मानना है ऐसी परिस्थिति और ऐसी जो प्लानिंग की स्थिति है ना जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलती है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जनरली कम आते हैं, मेरा मानना फ्लेक्सिबिलिटी। आपने जो मीटिंग की थी उस दौरान जो आपने दिशा निर्देश दिए थे उनमें कोई, उसमें काम चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, हमारे मेन उद्देश्य उसमें होमवर्क करके ऑलरेडी वर्क चल रहा है, उसमें हमने कुछ स्टाफ भी दिया है चिन्मय जी को इनके स्मार्ट सिटी में कलेक्टर साहब के निर्देशन में, तो उसमें काम चल रहा है। तो अभी बोर्ड मीटिंग हम इस महीने से लास्ट से पहले कर लेंगे, उसमें पूरी चीज़ें फ्रीज कर देंगे, बिकॉज मैंने CS सर के यहाँ अभी मीटिंग हुई थी, प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, बाकी कलेक्टर साहब और सब ने दिया था, हमने कहा है साहब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगस्त लास्ट तक फ्रीज कर देंगे और अक्टूबर तक मोस्टली सबके टेंडर्स की कोशिश करेंगे, जिससे कि पीरियड के मुताबिक समय सीमा में चीज़ें पूरी समयबद्ध तरीके से पूरी हो और लोगों की आवश्यकता अनुसार हो। जो गाइडलाइंस है ना उसकी, स्मार्ट सिटी का मतलब है मोटे तौर पर चीज़ें व्यवस्थित हो, चाहे वो है स्पोर्ट्स है, चाहे अपने वो एजुकेशन है, चाहे और पैसे का ऑप्टिम यूज़ हो, जो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन आप पढ़ोगे ना वो ये कहती है, उसको उसके साथ साथ हम लोग पार्किंग भी दे रहे हैं, उसमें SP साहब से हम सहयोग ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग जो सीवरेज का, यहाँ मैं कलेक्टर था 2014 में, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, उसका पूरा होमवर्क करा के जिससे कि सीवरेज यूज़ हो, STP यूज़ हो
और ये जगह जगह डोर टू डोर कलेक्शन में भी हम लोग इसमें फंडिंग कर रहे हैं, जो इनके टिपर्स वगैरह की चाहिए वो कर रहे हैं। तो काम करने का बहुत बहुत स्कोप है और ADA भी इसमें सहयोग कर रहा है। कमिश्नर साहब से कल हमारी मीटिंग हुई थी मीणा जी से, उनको भी हम लोग आज भी मिलेंगे। तो जो भी सारे लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे स्टेक होल्डर हैं, उनसे हम लोग और हमारे मंत्री जी से भी मेरा रिक्वेस्ट हुआ, धारीवाल जी वो भी जैसा उन्हें समय मिलेगा उस हिसाब से एक बार संभाग स्तरीय मीटिंग का भी उन्होंने कहा है सितंबर अक्टूबर सितंबर में लेंगे, कुछ अगस्त में जैसे कोटा में लेंगे और जगह तो यहाँ पे भी पधारेंगे। तो मेनली बात है कि चीज़ें व्यवस्थित तरीके से तुरंत प्रभाव से और लोगों को लगे। तो उसके अलावा पार्क है, जैसे आप सुभाष पार्क डेवलप किए और भी पार्क हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ एडवेंचर का कुछ कर रहे हैं। आज हम गए थे चंद्रवर्धक, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह पूरी अच्छे से करेंगे। तो प्रयास करेंगे सरकार की मंशा अनुरूप चीज़ें त्वरित गति से और व्यवस्थित रूप से लोगों को साथ लेंगे।